मेरा इंडस्ट्री में जो सफ़र है वो शुरू हुआ एक बहुत बड़े शख्स गुलजार साहब के साथ ही इज़ द मैन हु ब्रॉट मी इन टू बॉलीवुड एंड आर फर्स्ट कोलाब्रेशन वॉज अ सोलो एल्बम कॉल्ड उदास पानी विच डिड एक्सट्रीमली वेल इन दोज डेज एंड लैंडेड मी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक ओके अभिषेक जितनी आसानी से आपने कह दिया कि आप गुलजार साहब से मिले एक एक, एक पूरा वक्त लगता है संघर्ष का जद्दोजहद का जब आप मुंबई शहर की तरफ रुख करते हैं कुछ भी यू नो क्रिएटिव आर्टिस्ट के तौर पे जब आप आते हैं तो इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से आपने कह दिया थोड़ा सा आपके इनिशियल दिनों की और कैसे और कैसे कैसे मुलाकात हुई संगीत की दुनिया में देखिए मेरे बचपन से ही मेरे अंदर संगीत का कीड़ा था तो मुझे लगता था कि कभी भी मैं नहा रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ अचानक एक धुन टपक सी जाती थी जहन में एंड दैट मेलिडी स्टार्ट नो डिस्टर्बिंग मी स्टार्ट हारबरिंग इन मी वॉन्टिंग मी टू गिव बर्थ टू इट तो ये जो बात है ये बचपन से ही मेरे साथ है कि एक धुन आ जाती है और अपने आप अंदर बस जाती हैं और वह धुन फिर बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो जाती है तो मुझे इसको जन्म देना ही पड़ता है एंड एज आई स्टार्ट ग्रोइंग आई रियलाइज दैट देर इज़ अ टर्म फॉर दिस डिज़ीज़ एंड इट्स कॉल्ड कंपोजर अ कम्पोजर इज़ अ पर्सन हु गिव्स राइज टू औरिजिनल मेलोडीज तो वो बात कुदरती तौर पे मुझे लगता है कि शुरू से ही था और बाद में जाके मैंने डिस्कवर किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिंगर कंपोज़र फॉर अ लॉर ऑफ़ टेलीविजन मैंने बहुत सारे एड फिल्मस बहुत सारे टेली तेल, सीरियल के टाइटल ट्रैक्स और uh, डॉक्यूमेंट्रीज़ का म्यूज़िक करना शुरू कर दिया बचपन से जिनका संगीत सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ सचिन देव बर्मन सलील चौधरी मदन मोहन साहब गुलजार साहब ये आइकन्स हैं मेरे लिए ये बरगद की तरह हैं और वेन आई मेट हिम आई जस्ट हैपन टू बी कैरिंग वन ऑफ माई ऑडियो टेप्स विद समिशन इन माई बैक पैक तो जस्ट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट आई वॉज अ चाइल्ड आई जस्ट हैंडेड ओवर टेप टू हिम मैंने पाँच हुए उनके और बोले कि uh, इसमें कुछ मेरी धुने हैं सिर्फ पियानो पे बजाया हुआ और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं जबकि मुझे उम्मीद नहीं है आप बरकत की तरह हैं मैं तो एक बोना सा पौधा हूँ आपके सामने फिर भी आ, मेरी अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको ये टेप दे देता हूँ और वो ले लिया उन्होंने टेप और उसके दो दिन बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस एंड आई आई मोस्ट फेल डाउन बिकॉज आई नेवर एक्सप्लेन यू नो आई नेवर एंटिसिपेटेड दैट समथिंग लाइक दैट हैपन इन माई लाइफ बट मे बी मदर नेचर लुक टूवर्ड्स मी एंड इट स्टार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स विच लेड मी इन टू बॉलीवुड ओके पहला काम पहला गाना उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो ऑफिशियली देखिए मेरा पहला गाना हिंदी फिल्मों में है एक फिल्म हासिल से उन दिनों में एकदम ही बच्चा था मैं हाई स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में और मेरे एक पुराने मित्र हैं तिगमांशु धुलिया जिनके साथ मैंने टेलीविजन में बहुत सारा काम किया था आई हैड डन अ सीरीज़ कॉल्ड राजधानी ऑन स्टार प्लस डायरेक्टेड बाय तिगमांशु और जब वो पूरी टीम इरफान खान तिगमांशु जब उन सब ने मिलकर एक फिल्म बनाई हासिल तो उस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर के लिए मुझे बुलाया गया और एक खूबसूरत बिरहा का गाना है विच इज़ पिक्चरइज्ड ऑन जिमी शेरगिल ऋषिता भट्ट इट वॉज़ अ फिल्म शॉट इन अलाहाबाद सुनरे सखी जिया क्यों घबराए वो मेरा पहला गाना था इन okay, मैं, मैं हिंदी <coughs> you know, know, फिल्म फिल्म hmm. तो मे, मेरे भाग्य में ऐसा है कि मुझे कल्ट फिल्म मिली है काफी सारी इवन पान सिंह तोमर आई थिंक वुड बी अल्ट कल्ट फिल्म अगेन विद द सेम डायरेक्टर मेनी इयर्स लेटर जिसका सारा म्यूजिक मैंने किया तो मुझे इस तरह के थोड़े से मेन स्ट्रीम से हटके सिनेमा काफ़ी मिला है आई थिंक आई थैंक स्टार्स फॉर से भी सम्मानित होने तो जा रहे हैं, तो जा हैं। uh, देखिए मुझे ऐसा लगने लगा था कि uh, हालांकि uh, uh, साल, सालाना दो तीन फिल्में मैं कर ही लेता हूँ लेकिन उससे कई ज्यादा गाने मैं प्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि uh, एवरी डे आते जाते मतलब नहाते हुए चलते हुए गाड़ी चलाते हुए कभी भी कोई धुन आ जाती है और धुन मुझे अच्छी लग जाए तो फिर मेरे लिए एक दायित्व बन जाता है कि उस धुन धुन को मैं जन्म दूँ यू नो आई हैव टू गिव बर्थ मेलोडी सो आई वॉज एक्चुअली एंडिंग अप मेकिंग फार मोर नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैन द नंबर ऑफ सॉन्ग्स विच गेटिंग यूज अप इन माई फिल्म सो आई थॉट दैट इफ आई एम ओनली डिपेंडिंग ऑन बॉलीवुड फॉर माई रिलीजेज़ तो बहुत से ऐसे खूबसूरत गाने मेरे uh, मेरी कबर में जाएंगे तो so मुझे ऐसा लगने लग गया था और पिछले साल मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे गाने जो है पंछियों की तरह है और एक पिंजरे में बंद है रिलीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं सो व्हाई डोंट आई सेट सेट ओपन द डोर ऑफ द केज एंड सेट माय मेलोडीज़ फ्री कि मेरे गाने जो है खुले आसमान में उड़े उसके बाद हर एक गाना अपना किस्मत लेके आता है हर एक गाने की अपनी एक जर्नी होती है ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े इन सिंगल्स में जो मेरे ख्याल से आप कोशिश करके या आप पैसे के बलबूते पर नहीं कर सकते हैं आई हैव डन सिंगल्स विद गुलजार साहब सात गाने उन, उनके हैं इस साल विद श्रेया घोषाल विद सोनू निगम विद हरिहरन उदित नारायण अभिजीत कविता कृष्णा मूर्ति अलका याग्निक तो विद द बेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री दे हैव ऑल कोलेबरेटेड विद मी ऑन डूइंग सिंगल्स एंड मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छे गानों की एक किल्लत है मार्केट uh, में ओरिजिनल गानों की एक किल्लत है और ये बात सिर्फ मैं नहीं uh, मुझे नहीं लगता है ये बात बहुत से हमारे अच्छे उमदे जो सिंगर्स हैं उनको भी लगता है तो वो सिंगर्स ऑल दो सिंगर्स के एम हेड एंड दे कोलेबोरेटेड विद मी एंड दैट जर्नी स्टार्टेड ऑफ और अप्रैल महीने में वो शुरू हुआ जर्नी एंड इन द मंथ ऑफ वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च इन फेबर आई वॉज फेलिसिटेटेड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूज़िक अवार्ड मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स और जिसमें नॉन फिल्म बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर वेंट टू मी अ सॉन्ग कॉल ए जहाँ आसमा विच हैज़ बीन ब्यूटिफुली संग बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल और आपको जान के खुशी होगी इस बात की कि नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी में जो दूसरा नॉमिनेशन था वो भी मेरा ही था एंड दैट वॉज रिटन बाई गुलजार साहब एंड संग बाई हरिहरन साहब तो एक तरफ श्रेया घोषाल सोनू निगम नुसरत बदर एक तरफ गुलजार एंड हरिहरन इस तरह के दो गाने मेरे जो है आपस में लड़ रहे थे जिसमें से एक जीता और एक नॉमिनेटेड है तो दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इट गिव्स मी द मतलब ये मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं अपने गानों को अब और सटीक तरीके से और बहुत ही खूबसूरत जो मेरी धुनें हैं उनको मैं सामने ले आऊँ और दिस कमिंग ईयर ऑल्सो आई एम कोलेबरेटिंग विद सुखविंदर सिंह विद सोनू निगम विद कविता कृष्णा मूर्ति एंड सम अदर ग्रेट नेम्स इन द इंडस्ट्री एंड यूर गोइन टू भी हियरिंग अ लॉट ऑफ मोर सिंगर्स कमिंग फ्रॉम माई स्टूडियो नाना के साथ तीन फिल्में और तीनों फिल्में का संगीत बहुत सराया गया उस बारे में थोड़ा सा जानना इतफाकन ऐसा हुआ कि नाना साहब के साथ उसमें तिगमांशु को एक ऐसा गाना चाहिए था जो ग्रीड पे हो जो तलब पे हो यू नो इंसान की जो ग्रीड है ये पैसे की भूख कभी मरती नहीं है इस पे एक गाना चाहिए था तो उसमें मैंने बनाया था कैसी तलब है? जो मर के बिबुझी नहीं है साली तो कम्प्लीट सॉन्ग ऑन ग्रीड उसके कुछ साल बाद फिर अनिस बजमी साहब की मेगा स्टारर फिल्म थी वेलकम uh, बैक जिसका थीम सॉन्ग मुझे बनाना पड़ा और उसमें नाना जी का एक अद्भुत रोल है उसमें ही इज़ प्लेइंग अ गैंगस्टर एंड इज़ प्लेइंग अ फनी गैंगस्टर तो उसमें एक हिप हॉप ग्रंज kind of a track they required which was like uh, welcome back to the party koi chulbular koi manchalar koi majnu sa hai yahan koi khurdar koi sar phirar sab crazy crazy nana nana ki haal hi mein release uske uh, baare mein ha very recently i did a film with nana Patekar and mahi gill which is a very interesting film it's a इट्स द स्टोरी ऑफ वन नाइट कॉल वेडिंग एनिवर्सरी जिसमें माही गिल इज़ इन गोवा एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू टर्न हस्बैंड नेवर कम्स बिकॉज इट्स अर एनिवर्सरी द हस्बैंड डजन कम बट इन स्टेड्रेंजर एट द डोर एंड दैट स्ट्रेंजर इज नाना पाटेकर एंड द फिल्म टेक्स ऑफ फ्राम दियर एक रात की कहानी है और एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं वो दोनों एक साथ और जिंदगी का फलसफा है इस फिल्म में और मुझे इस फिल्म में अलग अलग दिशाओं में एकदम अलग अलग कैनवास के गाने बनाने का मौका मिला और uh, सबसे पहले इसमें एक ई डी एम ट्रैक है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक ट्रांस ट्रैक विच इज़ शॉर्ट ब्यूटिफली ऑन अ मूविंग शिप इन गोवा एक शिप के ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर पे ये गाना हो रहा है आई एम सिंगिंग दैट सॉन्ग लाइव इन द फिल्म आल्सो एंड माय को सिंगर इज़ भूमि त्रिवेदी एंड साथ में बहुत सारे फॉरेन फॉरेन डांसर्स हैं जो इस गाने पे थिरक रहे हैं एक अजीब सा मतलब एनर्जी uh, है इस गाने में एंड देन देर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड विदेशिया इट्स लाइक like, uh, जो नाना का कैरेक्टर है कि वो रोज़ रात को जाके नाना जी जो है uh, अलग अलग दरवाजों को खटखटाता है इज़ अ राइटर और uh, इस उम्मीद में खटखटाता है कि दस दरवाजों में से कोई एक दरवाजा उनको रात में रहने की पनाह दे देंगे तो इस उम्मीद में ही गोज़ टू टेन डिफरेंट हाउसेज एवरी नाइट एंड जस्ट नॉक्स द यू नो द डोर सो डिटर वॉन्टेड अ सॉन्ग विच काइंड ऑफ गोज़ विद दिस कैरेक्टर ट्रेट ऑफ नाना पाटेकर सो आई मेड अ सॉन्ग कॉल विदेशिया इसके बाद एक गाना है इस फिल्म में विच इन विच नाना पाटेकर एंड माही गिल आर डूइंग अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स टुगेदर उस गाने का दैट सॉन्ग इज़ कॉल्ड इत्तेफाकन कि इस दुनिया में सब इत्तेफाकन ही होता है सारी प्रेम कहानियाँ इत्तेफाकन शुरू होती है सो द डायरेक्टर वांटेड अ सॉन्ग विच काइंड ऑफ डिनोट्स दिस वर्ल्ड एंड ब्यूटिफुली इट्स शॉट इन एन ओल्ड पोर्टुगीज बंगलो दिस सॉन्ग इज संग बाई मी एंड अमिका शैल दो गाने इसका सुना था तो दो लाइनें लम है ये लम है दो लम है आगिरे वो अक्सा फलक से दो लम है आगिरे वो ओ ओ इतफाकन ही मिले हैं हम यहाँ सो दैट्स इतफाकन प्योरली इन द जैज स्पेस आई विदेशी आई संग ब्यूटिफुली बाय उस साद राशिद खान राशिद खान जी को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी आवाज़ की जो ग्रेन्स है वो एकदम नाना पाटेकर साहब के साथ मैच करता है और नाना पाटेकर जी इसमें लाइव लिपसिंग कर रहे हैं इसके अलावा एक प्योर आइटम नंबर है चल चांद दिला दो इस कॉल्ड ढिन चैक एंड देन देर इज़ सॉन्ग कॉल्ड जो बिरहा का गाना है कॉल्ड आय सैया सो इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ सॉन्ग्स एंड थैंकफुली द क्रिटिक्स हैव टेकन वेरी वेल टू इट सबको अच्छा लगा गाना और

तो वो uh, मैंने एक्वायर किया वो पहाड़ी और उसमें मैंने पिछले दस सालों में एक जंगल लगाया मैंने हजारों पेड़ उसमें लगाए और बीच में एक uh, बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनाया क्योंकि आजकल uh, मुझे ये भी लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ लैंड एंड वाटर बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सप्लोरिंग सो फास्ट दैट देर इज़ एब्सोल्युटली नो रूम लेफ्ट फॉर एनी अदर क्रीचर एंड इंडिया इज़ लाइक अ बायोटिक हॉटस्पॉट इंडिया हैज़ यू नेम इट एंड वी हैव इट द टाइगर द लेपर्ड द राइनो द एलिफेंट द वाइल्ड डॉग द वुल्फ फोर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वी हैव एवरी थिंग थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड बिफोर आवर जनरेशन इवन कम टू नो कि हमारे पास क्या है ये सारी चीज़ें जो है विलुप्त हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि पानी की ज़बरदस्त किल्लत है पूरे देश में और जानवरों को तो पानी मिलता ही नहीं है इसलिए आए दिन आप देखेंगे कि ये तेंदुआ कुएं में गिर गया वो बाघ कुएं में गिर गया अब ये लोग कुएं में गिर नहीं रहे हैं इनको इतनी प्यास लग रही है कि अपनी प्यास मिटाने के लिए कुएं में छलांग मार रहे हैं पानी पीने के लिए मीडिया उसको इस तरह से रिपोर्ट करता है कि ये कुएं में गिर गया है लेकिन कुएं में ये गिरते नहीं हैं ये पानी के कारण इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि उनको कुएँ में जाना पड़ता है तो सबसे पहले तो मैंने एक वहाँ पर एक वाटर बॉडी बनाया जिसमें बारह महीने पानी रहे और जिसमें आके पूरे जंगल के जानवर जो है पानी पी सके और उनको खदेरा ना जाए वहाँ से तो इस तरह से सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की रचना हुई और बॉलीवुड के अलावा जो भी थोड़ा बहुत वक्त मुझे मिलता है वो सारा वक्त मैं जंगलों में पहाड़ों में सीताबनी में ही गुजारता हूँ और वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता हूँ आखिरी सवाल आपसे इंडस्ट्री में आप जिस भी मकाम पे आज हैं किसी एक शख्स को अगर क्रेडिट देना चाहें तो किसे देना चाहें? आ, किसी एक शख्स को अगर मुझे क्रेडिट देना है आज इस मकाम पे आके तो वो ज़रूर गुलजार साहब होंगे क्योंकि गुलजार साहब ने मुझे सबसे पहले प्रोत्साहित किया कि सिर्फ टेलीविज़न uh, नहीं आप फिल्मों में भी काम कर सकते हैं आपका स्थान बॉलीवुड में है और uh, इतना बड़ा अगर उन्होंने uh, रिस्क लेके एक बच्चे के साथ सोलो एल्बम नहीं किया होता उदास पानी उसके बाद फिर रात चांद और मैं इतने सारे एल्बम्स उन्होंने मेरे साथ सोलो एल्बम्स किए उन्होंने अगर ये पनाह मुझे ना दी होती तो मेरे लिए ये uh, शायद ये पूरा जर्नी बहुत मुश्किल होता और मुझे लगता है कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग द यूनिवर्स थिंग्स थ्रोज थिंग्स ऑन योर वे You have to just pick up the right things at the right time. Thank you so much.